श्रावण अष्टमी मेले शुरू होते ही हिमाचल के शक्तिपीठों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ आया है। श्री नैना देवी में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मंदिर को रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजाया गया है। मेले 20 अगस्त तक चलेंगे, जिसमें पंजाब, हरियाणा सहित दूसरे राज्यों से लाखों श्रद्धालु माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचेंगे और इसका सिलसिला रविवार से शुरू हो गया है। मंदिर में सरकार द्वारा सुरक्षा और सुविधा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बार लगभग प्रदेश भर के शक्तिपीठों में 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी व वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। और पुलिस के जो है तकरीबन 400 जवान हैं, होम गार्ड के भी कोई 400 जवान हैं और इसके अलावा जो दुर्गा सेवा दल के भी कोई 150 लोग हैं और पूरा बंदोबस्त किया गया है। CCTV कैमरा सारे वर्किंग कंडीशन में है, वायरलेस कम्युनिकेशन ठीक है और आपातकाल स्थिति में क्या करना है उसके बारे में डिस्कशन किया है। और मेरे साथ DIG सेंट्रल रेंज मंडी भी आए हैं, SP जो बिलासपुर भी यहाँ मौजूद है और सिक्योरिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस हुआ है और इस बार मुझे पूरा उम्मीद है कि सुचारू रूप से मेला चलेगा। से आज दिनांक 12 अगस्त 2018 को तदनुसार बिक्री संबत्त 2075 विरोध संबत्त सत्र के अंतर्गत श्रावण मास के पावन नवरात्रों का शुभारंभ हो चुका है। आज से माता जी की पूजा अर्चना, जप, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि तीर्थ यात्रियों के कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए इत्यादि किए जा रहे हैं। प्रत्येक यात्री, तीर्थ यात्री और जन जन जगजननी माँ नैना देवी का आशीर्वाद प्राप्त करके जाएं, जगजननी माँ नैना देवी से सुख और समृद्धि को प्राप्त करें, यही मंगल कामना है। और ये नवरात्रे 12 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक मनाए जाएंगे और 20 अगस्त को दशमी वाले दिन जो है माता जी का पावन यज्ञ, जो भी दशांश पाठ का हवन है, वो तीर्थ यात्रियों के कल्याणार्थ किया जाएगा। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।